मिरेकल मैथ्स एकेडमी। आज मैं आपको एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन फर्स्ट एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन कराऊंगी। फर्स्ट क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में किया था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपको वर्ड प्रॉब्लम गिवन है, इसे आपको रिप्रेजेंट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है वो मैंने पार्ट वन में एक्सप्लेन किया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो। दैट मींस जो आपको वर्ड प्रॉब्लम गिवन है उसे आपको रिप्रेजेंट करना है इस फॉर्म में। फर्स्ट पार्ट, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया 528 मीटर स्क्वायर है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। जो रेक्टेंगल की लेंथ है वो उसकी ब्रेथ की ट्वाइस से वन मोर है। लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू एक्स, देन लेंथ क्या होगी? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ क्या होगी? 2x प्लस 1 मीटर। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। हमें लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है, रिप्रेजेंट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। एल है आपका लेंथ है 2x प्लस 1 एंड ब्रेथ है x, और एरिया आपको गिवन है 528। एरिया क्वेश्चन में गिवन है 528। 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स एक्स इज इक्वल्स टू 528। 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 528 इज इक्वल्स टू जीरो। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई और हमें इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना था। a की वैल्यू है यहाँ पर 2, b 1 एंड c इज माइनस 528। इस क्वेश्चन में आपको ओनली रिप्रेजेंट करना है, तो हम इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ रिप्रेजेंट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। सेकेंड पार्ट, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। टू पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स जिनका प्रोडक्ट 306 है। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। हमें इंटीजर्स को फाइंड करने के लिए एक इक्वेशन बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम यहां से लेट करते हैं कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर x एंड x प्लस 1 आर टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका प्रोडक्ट क्या है? 306। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर एंड x इंटू 1 एक्स इज इक्वल्स टू 306। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन बनी, यहां से कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स फाइंड कर सकते हैं और ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो यहां पर ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1 एंड सी की वैल्यू क्या है? माइनस 306। थर्ड पार्ट, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की मदर की एज रोहन से 26 ईयर ज्यादा है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। दोनों की एज का उनकी प्रेजेंट एज से 3 साल बाद का जो प्रोडक्ट है वो 360 है। Now we would like to find Rohan's present age. हमें रोहन की present age find करनी है। Let Rohan's present age is equals to x. रोहन की present age x है। Then according to question, Rohan's mother is 26 year older than him. तो रोहन की mother की
प्रेजेंट एज क्या होगी? मदर्स प्रेजेंट एज इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 26 एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ, प्रेजेंट एज से 3 years आफ्टर रोहन की एज क्या होगी? एक्स प्लस 3 एंड मदर की एज एक्स प्लस 26 प्लस 3 दैट मीन्स एक्स प्लस 29। जो इन दोनों के एज का प्रोडक्ट होगा वो है 360। एक्स प्लस 29 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू 360। हमें इसे रिप्रेजेंट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू 3 3x प्लस 29 इंटू एक्स 29x प्लस 29 इंटू 3 87 इज इक्वल टू 360। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 29x इज 32x प्लस 87 माइनस 360 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 360 प्लस 87 माइनस 360 प्लस 87 माइनस 273 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से रोहन की एज हमें फाइंड हो जाएगी और ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। हमें सॉल्व नहीं करना है, हमें ओनली रिप्रेजेंट करना है क्वेश्चन। फोर्थ पार्ट, ए मैन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। 480 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है यूनिफॉर्म स्पीड से। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, अगर स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाए, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर सेम डिस्टेंस। देन उसको सेम डिस्टेंस 480 किलोमीटर कवर करने में पहले के कंपैरिजन में 3 आवर्स ज्यादा लगेंगे। वी नीड टू फाइंड स्पीड ऑफ ट्रेन, हमें स्पीड ऑफ ट्रेन फाइंड करनी है। लेट स्पीड इज इक्वल्स टू एक्स किलोमीटर पर आवर, देन फर्स्ट कंडीशन में टाइम कितना लगेगा उसको, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है, 480 एंड स्पीड है एक्स, तो उसको ये टाइम लगेगा 480 अपॉन एक्स आर। नाउ इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, अगर स्पीड कम कर दी जाए 8 किलोमीटर पर आवर, देन उसको सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने में 3 आवर्स ज्यादा लगते हैं। पहले उसको जितना टाइम लग रहा था, अब उसको उससे 3 आवर्स ज्यादा लग रहे हैं। ये पहले का टाइम है जो उसको पहले टाइम लग रहा था, प्लस 3 आवर ज्यादा लग रहे हैं। स्पीड कितनी है अब, एक्स माइनस 8, टाइम कितना लग रहा है 480 अपॉन एक्स प्लस 3 और डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रही है 480। इसको सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। एक्स माइनस 8 इंटू 480 अपॉन एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू 480। एक्स इंटू 480 अपॉन एक्स, एक्स इंटू 480 अपॉन एक्स प्लस 3x माइनस 8 इंटू 480 अपॉन एक्स माइनस 8 3 24 इज इक्वल्स टू 480। एक्स टू एक्स कैंसिल, 480 प्लस 3x माइनस 3840 अपॉन एक्स माइनस 24 इज इक्वल्स टू 480 टू 480 कैंसिल, एक्स एलसीएम लेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 3840 माइनस 24x इज इक्वल्स टू 0। 3 कॉमन लेंगे यहां से, x स्क्वायर माइनस 1280
माइनस 8x इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी स्पीड फाइंड करने के लिए वो बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल्स टू 0।